नमस्कार, मैं सुशील कुमार अर्थ प्रकाश न्यूज से। आज पंचकुला सेक्टर 5 में शिक्षक सदन के बाहर वोकेशनल टीचरों ने अपने हक के लिए हड़ताल करी, जिसमें खट्टर सरकार के खिलाफ उन्होंने आक्रोश प्रदर्शन किया और समान वेतन समान काम के लिए धरना प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में, बने रहिए मेरे साथ। स्ट्राइक की जा रही है, किस पर्पस के लिए की जा रही है? सर, हम वोकेशनल टीचर हैं और हम हरियाणा के पूरे हरियाणा में हमारे वोकेशनल टीचर साथी लगे हुए हैं, और हम जो ये आज का धरना है, ये हमारा एक तो समान काम समान वेतन के लिए, दूसरा हमारे ऊपर अभी तक किसी साथी ने 5 साल हो चुके, किसी साथी ने 7 साल हो चुके, किसी प्रकार का ना तो कोई इन्होंने हमें जॉब की छोटी दे रखी सरकार ने, किसी प्रकार का ना हमें किसी प्रकार को कोई अलाउंस वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। आप धरना दे रखा है, इसे आगे आप और बढ़ाएंगे कि आप सीएम आवास तक जाएंगे इसके लिए? बिल्कुल सर, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम सीएम हाउस क्या घेराव से भी गुरोज निकलेंगे तब तक हमारी मांगी जाती। और मैं एक बात और बता देता हूँ, आप स्पष्ट कर देता हूँ कि ये धरना तब तक रुकेगा तब तक हमारी ये तीनों मांगे पूर्ण रूप से सरकार पूरी नहीं करेगी। मांगे आपकी क्या क्या हैं? हमारी सर सबसे पहली मांग है हमें शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए, दूसरी हमारी मांग है समान काम समान वेतन, तीसरी हमारी मांग है कि भाई हमें भी गेस्ट टीचर की तरह 58 साल की जॉब सिक्योरिटी दी जाए, जो कि सरकार ने बिल्कुल आज तक हमारी तरफ एक किसी प्रकार का भी हमें किसी प्रकार से भी कोई सुविधा नहीं दी गई हमें सरकार की ओर से। और मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और शिक्षा विभाग को बता देना चाहता हूँ, आज जो मेरे साथी यहाँ बैठे हैं ये तब तक नहीं उठेंगे तब तक सरकार हमारी मांगे ही नहीं मानेगी, और इस आंदोलन को आज हमने अनिश्चित काल के लिए फिर दोबारा घोषित किया। एक तो हमें 58 वर्ष तक सिक्योरिटी दी जाए, सर्विस बायलॉज 2013 हम पर लागू किया जाए, और जो वेतनमान एक डिपार्टमेंट के थ्रू लगी बीटी को मिल रहा वो दिया जाए। ये धरना जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक निरंतर चलता रहेगा अनिश्चित काल के लिए। अभी कोई आपसे अधिकारी मिला या फिर आपको किसी तरह का आश्वासन दिया गया? अभी तक हमारी 12 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर कोई फैसला नहीं लिया गया सरकार की तरफ से, हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। कल फिर हमारी एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर 2.5 घंटे हमारी हरियाणा सचिवालय मीटिंग चली, लेकिन हमें आश्वासन के नाम पर आश्वासन भी नहीं दिया एकमात्र कि हमें संतुष्ट किया जा सके। हमें बार बार बार्गेनिंग के लिए उकसाया जा रहा है कि आंदोलन खत्म किया जाए, परंतु वोकेशनल टीचर मानने वाला नहीं है, अपने हकों को लेकर रहेगा और लगातार हमारा धरना युग जो का त्यों चलता रहेगा जब तक हमारी तीनों मांगे पूरी नहीं हो जाती। ठीक। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।